Sharks. My name is Aarti Lakshman. Hi Sharks. मेरा नाम है सुमित रस्तोगी. हम 8 इंची के फाउंडर्स हैं. हम बैंगलोर से आए हैं और आज हम आस कर रहे हैं 50 लाख फॉर 1.75% इक्विटी. वेरी स्पेसिफिक. Sharks, हमारी फैमिली में डायबिटीज 3 जनरेशन से चल रही है, पर आज भी हम स्वीट्स डेली खाते हैं, क्योंकि स्वीट्स ना खाना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. इसलिए अपने हेल्थी लाइफस्टाइल और मीठे की क्रेविंग दोनों को जोड़ के बनाया 8 इंची. 8 इंची में हम ऑफर करते हैं आइसक्रीम्स, इंडियन स्वीट्स, कुकीज, केक्स, जो ना सिर्फ टेस्टी हैं बट 100% शुगर फ्री भी हैं. ये सारे प्रोडक्ट्स हमने अपने प्रोप्राइटरी ब्रांड ऑफ स्वीटनर से बनाया है, जो स्टीविया बेस्ड है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स सर्टिफाइड भी है. 8 इंची के जरिए हमने आज तक 50,000 से भी ज्यादा लोगों को खुशी दी है. आज भी सब लोग हमारे वेबसाइट से या मार्केट प्लेसेस से इसे खरीद सकते हैं. 8 इंची की मदद से हम हर डायबिटिक, प्री डायबिटिक और हेल्थ कॉन्शियस पर्सन को वो गिल्ट फ्री मीठा खाने वाली खुशी वापस देना चाहते हैं, बिना उनके हेल्थ को नुकसान पहुंचाए. अब आइए शायद अब भी 8 इंची के साथ बेफिक्र होके मीठा खाएं. Can we serve you some desserts now? कॉस पर झूठ मत बोलिए. झूठ क्यों बोल रहे हैं? We can talk more about it. नहीं नहीं झूठ है. Our life is sweet without sugar. It is. You don't want a deal from not her, with right? sugar cosmetics. You don't want a deal from her. I know. I just wanted to tell you, I have a hearing disability. Okay. I might occasionally ask Sumit, not occasionally, quite often ask Sumit to help me. All right. If I'm not able to catch what you're saying, and then I will fill in the context and answer. That's fine. Thank you for explaining it. ठीक है, ये आपकी आइसक्रीम है? हाँ. Okay. Bro, I don't want anything with milk. So you can take काजू कतली. Delicious. Yeah, is it? Delicious. I want to try your ice cream. Yes, I'm going to get it. Sugar-free cheezon mein ek aftertaste hota hai. This tastes like it's got sugar. Coconut wale to kha sakte ho na? Nahi, usme bhi dairy use kara hai. Dairy use kara. To aap koi special sweetener banate hain? We have a proprietary sweetener jiska humne patent bhi file kiya hai. तो आरती को एक्चुअली 8 महीने लगे थे ये आइसक्रीम का स्वीटनर बनाने के लिए, बिकॉज काफ़ी इश्यूज होते हैं व्हेन वी वर्क विद स्टीविया काइंड ऑफ स्वीटनर, तो इट इज़ डेफिनेटली डिफिकल्ट. या मैंने बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स पढ़े थे कि हाउ आई कैन बी पर्सनली कन्विंस दैट आई कैन गिव माय देन 10-year-old डॉटर, माय देन 90-year-old ग्रैंडमदर, एवरीवन शुड बी एबल टू ईट द सेम डेजर्ट सेफली. तो वी एक्चुअली नाउ हैव अ लाइब्रेरी ऑफ स्वीटनर्स. अच्छा. तो आइसक्रीम के लिए हमारे पास अलग स्वीटनर है, बेकरी के लिए अलग स्वीटनर है. द मिठाई एंड आइसक्रीम इज यम. मुझे कुकी नहीं समझी. चीज केक भी थोड़ा मतलब हैव हैड बेटर. नहीं, मेरे को वो आफ्टर टेस्ट भी आ रहा है जो स्टीविया का. मुझे भी आ रहा है. इसमें थोड़ा काजू कतली में थोड़ा सा बैलेंस. नहीं, आइसक्रीम में भी आ रहा है थोड़ा लेट है ना. तो आप थोड़ा मतलब आइसक्रीम बेचने से पहले क्या करते थे, कुछ अपना बताइए कि पढ़ाई कहाँ करी और कहाँ काम किया. So they want to know about your personal life. And yours also, sir. Yes, I will. So I grew up in Chennai. I finished my B school in Mumbai. I was in corporate HR, which mein I managed inclusion and diversity programs for Accenture India for almost 15 years. Wow. Kaun se saal mein tha wo? 2017 in July. Uske baad maine attention shuru kiya tha. What, if I may ask, is your hearing disability, if you'd like to share? 2 weeks away from my first job. From your first job? First 2001. Job. 2001. I woke up one day with ringing in my ears. Okay. उसमें audiology में पता चला कि I have a hearing disability. So you had it already or you did not know? I did not know. मुझे पास की conversation बड़ी अच्छी सी सुनाई देते हैं one on one. So I tried to keep my relationships also exactly just as much meaningful as that. So I have a very close knit set of people. One-to-one who I interact with and they are very supportive. आपको अभी भी ringing सुनाई देती है कान में? Confirmed question is, do you still hear the ringing sound in your ear? Yes, I do. Aarti, just to commend you, ये problem tinnitus, it is frustrating. At the start of your career, you discovered and you built such an amazing career. Congratulations, hats off to you. And to you, sir, आप support कर रहे हैं. You're a co-founder, I'm assuming. We're also spouses. We got married in 2002. अच्छा. मैं दिल्ली 6 में पैदा हुआ हूँ, चांदनी चौक में. तो मीठा मतलब
नसों में ही है. 99 में मैंने बॉम्बे मूव करा, केजे सोमैया कॉलेज MBA. आफ्टर दैट आई वॉज वेरी क्लियर आई वॉन्टेड टू ज्वाइन इन कंज्यूमर इनसाइट्स. तो मैंने इप्सॉस में काम करा है. फिर मेरे को नीलसन में अपॉर्चुनिटी मिली थी दुबई में, तो मैं दुबई गया था 3.5 साल वहाँ पे. ये आपके साथ दुबई गई थी जब जी. आप गए. That's when she actually picked up all the baking, cooking, you know, all that interest. Okay. But ये नाम थोड़ा सा आर्टिंची, थोड़ा आरती के नाम से गया. The name? आर्टिंची. आर्टिंची because desert is half art, half science. जैसे कि Leonardo da Vinci, master, scientist, artist. Arts plus da Vinci. It came to me while I was running one day. And you go running? Yes. We both are marathon runners. Wow. I've climbed Himalayan trek. I've been to Kilimanjaro. Wow. Actually, 2012 mein, I was going through this identity crisis. Here I decided that I still have the rest of me, which is still working. That's how I got so involved in fitness in the first place. Amazing. And it helped, right? मुझे याद है जब मेरा भी सब खत्म, like first business fail, okay, like lowest point पे ऐसा running. Exactly. That cleared my head up. तो आपका सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा था? सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा आइसक्रीम था. तो शुगर फ्री आइसक्रीम तो बचपन से आ रही है. आप शुगर फ्री वो वाला खाओगे तो आपका शुगर फिर भी स्पाइक होगा. Are you testing for spikes? Yes. आपके आइसक्रीम से स्पाइक नहीं आया? नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा. Are you diabetic? We are pre-diabetic, so मेरा अभी भी 5.5 है. आरती was 5.5, she reversed it to 5 now. तो आप हमेशा ट्रैक करते हैं? We are tracking for last 3-4 months, primarily because हम लोग अपना product भी अपने आप पे test कर रहे थे. You have the patch. Both of us have a patch. आप charts दिखा सकते हैं? That's very important point. Yes. ये है comparison between 2 pieces of regular gulab jamun and 2 servings of artichoke gulab jamun. So this is your normal sugar आपका track कर रहा है. आपने कुछ खाया यहाँ पर? Right. And your sugar spiked to above normal levels. Right. और यहाँ आप दिखा रहे हैं probably 8 here. But it did not spike. Right. Sugar spike जो है वो सिर्फ sugar से नहीं आता है. Okay. It's essentially carbs. तो आपने इसमें से carbs कैसे निकाले? So we first of all took out मैदा and जो size है गुलाब जामुन का वो भी calculated है. Interesting. Calories में compare करूँ उसमें कितना difference है या सिर्फ GI का difference है? Calories are naturally lower, but we are not afraid of calories. Because all the calories, they come from good sources. We are not marketing ourselves as low calorie. तो सिर्फ diabetics के लिए है? We are designed for diabetics, let me put it that way. तो हम वो one-stop shop बनना चाहते हैं, where diabetics feel safe. आप ये कैसे standardize करते हैं और कहाँ बनाते हैं? हमारा centralized manufacturing facility है बैंगलोर में. उसकी capacity क्या है? 8,000 liters है monthly for ice cream. About 4,500 kgs of cookies. जो अभी आई गए कैपेसिटी पे तो सेल्स बता दीजिए. लास्ट मंथ वी डिड अराउंड 33 लाख नेट सेल. प्रीवियस मंथ वी डिड 37 लाख. इससे पहले भी वी डिड अराउंड 34 लाख. उससे पहले पिछले साल वी डिड 4.4 करोड़. नॉट बैड. व्हाट वाज द प्रॉफिट इन 4.4? देयर वाज नो प्रॉफिट, देयर वाज अ लॉस. कितना लॉस था? 5 करोड़ का. 5 करोड़? ओके स्लो. वी विल एक्सप्लेन. And the year before that? 3 crores. Okay. Or loss? Loss was around 1.2 crores. And this year kitna karenge aap? Around 5.5-5.3 ke beech. And loss kitna hoga? 1.1-1.2 ke aaspaas. That means aapne capital raise kiya jab 7 crore rupees lag gaye. Can you quickly give us the history of that? Between us and family, we have invested almost 4 crores. Wow. Equity is with you two only or some other members of the family? Equity is with us. So we own 72% of equity of the company. And then you have done a round. Ye last year hua tha, previous round, the Chennai Angels or Let's Venture ke saath. Total was 3.1 crore. Valuation post money was 28.57. So aaj jo valuation aap leke aaye ho utni hai? Utni hai, same rakhi hai. Aur aapke margin kitna hai business mein? We do 62% gross margin now. And to loss kaise ho raha hai? Matlab aap kahan bech rahe hain ye goods aur kaun se channel mein loss ho raha hai? So we actually sell dark store network ke through. To Swiggy Zomato pe bechte hain. Then Amazon. And then we have our website. And we sell on margin to B2B. So I think where we went wrong was that we expanded too quickly. So we pulled back. So hum log dark store chalate the 26 raise karne se pehle. We raised it to 56. Delhi tha for example, hum log ice cream flight se bech rahe the, which was completely unviable. Humne finance nahi lagaya tha thoda sa ki bhai ye A1 plus 1 is equal to 2. We did not do that very well. It's a very simple maths. In hindsight, yes it is. Matlab aap unit level loss pe bech rahe the. Correct. Jo to bahut hi senseless hai. अभी you have corrected course. Just to give you a sense that हमारा जो burn last year November में था वो था 44 lakhs का. इस November में we have actually now doing a loss of about 8 lakhs. October में हमारा last year
gross margin have 42%. Ab ben kya hai wo 62%. Partner commissions was 24% last year. Now it is trending at 11%. Hamara jo major burn ho raha hai right now sirf salaries mein hota hai. So hamara corporate salary is sitting at around 8 lakhs. To CM2 level pe kitna margin hai aapka? 3 to 4% right now. So even that's not great hai na? CM2 in October was 12%. 12%. To itna fir November mein 3 to 4% kyun ho gaya? We stepped up little bit on marketing. Boss, marketing ka problem nahi hai. Aapka problem I think mujhe lag raha hai inventory, perishable inventory hai aapki. So I'll give you the shelf life. Cookies ka shelf life 8 months hai. Ice cream ka 6 months hai. Cheese केक जो आपने खाया दैट इज 30 डेज इंडियन स्वीट्स इज 30 टू 60 डेज सो जो इन्वेंट्री का प्रॉब्लम है हमारा वर्किंग कैपिटल इतना स्क्वीज हो चुका है टोटल वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा अटका है एज ऑफ नाउ 6 टू 7 लाख्स दैट्स इट प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज अब 3 हफ्ते की इन्वेंट्री है हमारे पास पर आपके पास पैसे बचे होंगे ना अभी अभी बहुत कम बचे हैं कितने बचे हैं 8 लाख्स 8 लाख्स 8 लाख तो अगले महीने खत्म हो जाएंगे एग्जैक्टली तो आप फंडिंग आने तक भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे सो जो करंट राउंड जो है उसमें थोड़ा सॉफ्ट कमिटमेंट है सॉफ्ट कमिटमेंट से कैश इन बैंक इज 8 मंथ्स तो 8 मंथ्स विद 8 लाख की मंथली सैलरी एंड 8 लाख लेफ्ट इन द बैंक अकाउंट क्या प्लान है सो आवर फैमिली एक्चुअली हैज लेंड मनी टू अस ओके एंड यू कैन टेक मोर वी कैन टेक लिटिल मोर आपको लगा क्या था कि अगर मैं माल बेचूंगा लॉस पे तो अल्टीमेटली पैसा रन आउट होगा राइट तो कुछ प्लान रहा होगा कि मैं ऐसे करता हूँ बढ़ा लेता हूँ क्लाउड किचन्स एंड देन व्हाट सो हम लोगों ने जब प्लान बनाया था उसमें वी हैड 3 चैनल्स अमेज़न हमको नहीं समझ में आता था उस टाइम वेबसाइट अगेन सेम प्रॉब्लम दैट परफॉर्मेंस मार्केटिंग में वी वर नॉट यू नो फाइंडिंग अवर वे सो हमने कहा स्विगी जोमैटो थोड़ा समझ में आ रहा है हम लोग इसमें शुरू करते हैं एंड दैट हैपन टू बी नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल चैनल एंड लॉस मेकिंग चैनल सो लास्ट ईयर हमारा जो रेवेन्यू था दैट वॉज 90% स्विगी दिस ईयर इट इज 60% और बाकी सो बाकी हमारा अमेज़न से आता है वेबसाइट से आता है एंड पीयूष B2B से आता है मुझे लगता है फंडामेंटली आपका प्रोडक्ट इज वेरी सॉलिड मैंने तो केक अभी खाया आपका एंड आई वाज शॉक्ड तो डेफिनेटली आई विल बी अ कंज्यूमर आज मैं इससे भी बाहर हूं मुझे लगता है कि अभी यू नीड टू फाइंड सम पाथ B2B में यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इफ यू आर राइट लाइक आई विल जस्ट गिव यू एग्जांपल अभी हेल्थीफाई मी है उनके पास अभी कंसल्टेंट्स हैं और उनके कंसल्टेंट्स कैन एक्चुअली रिकमेंड योर प्रोडक्ट सो यू कैन डू अ टाई अप विद देम पर अभी ये जो आप B2C में चले गए हैं ना ये ब्रांड बिल्डिंग की गेम है वो अभी थोड़ा वीक है बट गुड जॉब बेस्ट ऑफ लक आई थिंक यू विल फाइंड योर वे यू आर टू मच इन लव विद योर प्रोडक्ट आप थोड़ा आपके प्रोडक्ट मिक्स बैच साइज क्या किल करना है थोड़े प्रोडक्ट्स पे डेप्थ लाइए इट विल मेक योर ऑपरेशंस इजियर और एक सीख जो मैंने सीखी है मेंटर से इज व्हेन यू आर इन ट्रबल लेस इज मोर राइट But today, I will not be able to invest. I'm out. मुझे क्या लग रहा है ना Frankly, products are okay. जहां तक मुझे लग रहा है मैं जो भी देख रहा हूँ मुझे ये समझ में आ रहा है कि business sense या commercial acumen अभी भी बहुत weak है मुझे ये नहीं पता आपका ब्रांड क्या है बिकॉज आप बार बार डायबिटीज कहते रह रहे हैं बट आपने कहीं नहीं कहा है the dessert brand for diabetic. दूसरी बात आप एक ब्रांड बना रहे हैं इतने छोटे स्केल पर 4-5-6 कैटेगरीज कुकीज आइसक्रीम इंडियन स्वीट्स आइडेंटिटी फॉर इंडियन स्वीट्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन आइसक्रीम ब्रांड व्हिच इज सीन एज वेस्टर्न टू ट्राई टू क्रिएट अ ब्रांड एक्सोटिक साउंडिंग आर्टिंची ऑल दीज डिफरेंट कैटेगरीज विद लिमिटेड कैपिटल टेकन फ्रॉम फैमिली इम्पॉसिबल है यार यू हैव टू नैरो डाउन द सर्फेस एरिया आपका जो सर्कल ऑफ कंसर्न है वो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बहुत बड़ा है And you are operating in that. इतने पैसे हैं, इतना ही कर सकता हूँ और उसको जब बड़ा बनाएंगे ना अल्टीमेटली आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी इतना बड़ा बन जाएगा देखिए मैं आउट हूँ बिकॉज अभी यू आर काइंड ऑफ आउट ऑफ ऑप्शन आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट है ना वो फाइटिंग स्पिरिट को ढूंढिए फिर से गो बैक टू दोस बेसिक्स गुड लक एंड आई एम रूटिंग फॉर यू आई थिंक जो कैडबरीज ने इंडिया में करने की कोशिश की बट वॉज कि हम जो मिठाई उसको रिप्लेस कर रहे हैं एंड हम चॉकलेट को सेलिब्रेशन बना रहे हैं पर इंडिया की नस नस में मिठाई है एंड मिठाई को एक हेल्दियर एफएमसीजी ऑप्शन लेड बाय डायबिटिक्स बनाना इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड एवरीथिंग एल्स इज अ डिस्ट्रैक्शन सो आई विल कम ए अगर आप इसको एक एफएमसीजी मिठाई ब्रांड जो क्विक कॉमर्स में एंड ऑनलाइन एंड रिटेल में बिकेगा दूसरी ब्रांडिंग विच इज नाम चेंज करना पड़ेगा आई नो आपका बहुत सपना है ये नाम पर ये नहीं समझ रहा है इंडिया को क्या है अर्टिंची क्या है
इतनी चीप पैकेजिंग, इतना प्रीमियम नाम, 199 की आइसक्रीम आप बेचने चले हो और फिर ऐसी पैकेजिंग दोगे तो कंज्यूमर को समझ ही नहीं आएगा आप क्या हो, क्यों हो. कैन हेल्प यू विद दैट. एंड द थर्ड ऑफ कोर्स, आई कैन ओनली गिव यू 50 लाख फॉर 10%. देखो आपकी पिच से ज्यादा तो इन चारों ने ज्ञान बांटा है आपको. ठीक, मैं आपको नहीं बांटूंगा और मैं वो भी रिपीट नहीं करना चाहता जो विनीता ने किया आपको ऑफर देके. मैं अनफॉर्चुनेटली आउट हूं. ऑल द बेस्ट, हैव फन. हाय गाइस, इंपॉर्टेंट डिसीजन. सो वी वुड लाइक टू मेक अ कॉन्ट्रा ऑफर. 50 लाख फॉर 5% एंड वी कैन गिव यू अ रॉयल्टी ऑफ 1% ऑन प्रोडक्ट सोल्ड. अरे बाप, रॉयल्टी आप कब तक देंगे, कितने पैसे तक देंगे, वो आप पूरा समझा दीजिए. अप टू 3x तो एटलीस्ट बनता. नहीं नहीं, 1.5 times. हां, सो यू आर सेइंग 1.5% टिल आई मेक अप 1.5 times, 1% ऑफ नेट रेवेन्यू एंड 50 लाख फॉर 5%. दैट वर्क्स, डील पक्की. ऑलराइट, यस, वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस. वेरी वेरी excited about this because bahut badi category hai na, bahut incredible entrepreneurs ho Aarti. डील ठीक है, कुछ 1-2%, 4% इधर उधर, डजंट मैटर दैट मच. लॉन्गर रन में इस कंपनी को बड़ा करना और इस कंपनी को उन लोगों तक पहुंचाना जिनके लिए बनाई गई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वैल्यूएशन बाद में भी आ जाएगा. व्हेन वी बिल्ड इट वेल एंड वी बिल्ड इट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, वी आर पेशेंट इनफ टू वेट फॉर दैट.